नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांव की गली में गली कंक्रीटिंग एवं तिलाई पाली में जंगल जाने वाले रास्ते में छोटी सी पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर परिसर। ये पूरा मामला नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के ग्राम बटाऊपाली का आश्रित गांव तिलाई पाली का है, जहां के ग्रामीण व बच्चों को स्कूल जाने व दैनिक कामकाज को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में गांव के लोगों ने सरपंच को कई बार अवगत कराया है कि गली कंक्रीटिंग व जंगल वाले रास्ते में छोटी सी पुलिया बनवाने को लेकर कहा गया है, लेकिन सरपंच द्वारा इस संबंध में ग्रामीणों को बस झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, जिसकी मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर सारंगढ़ बिलाईगढ़ में अपनी मांग रखी पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस मोहल्ले में वे रहते हैं वहाँ गली कूचे हैं, जिसमें बारिश के समय पूरी गली कीचड़ों से भर जाती है, जिसमें हमें आने जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? सविता चौहान। कहाँ से हैं आप लोग? तिलईपल्ली। आप लोगों की कौन सी मांग है जो आप लोग कलेक्टर के पास आना पड़ा? हमार मांग वो जो छठवीं से लेकर दसवीं वाला बच्चा है हमारे को तिलईपल्ली के तेमान भारी परेशानी में है, और ओमन ला रास्ता पढ़ाई करे जाए के समस्या है। और क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या? वो रास्ता में एक ठो नाला पड़ रहा है, उसमें बाढ़ आ जाता है, आने जाने नहीं बनता है, खाचो डिपा सब आने जाने में उनको तकलीफ होती है, नहाके नहीं सकता है। हाँ, उसमें पानी जाती है ना, तो इस बारे में आप लोगों से सरपंच से बात हुआ क्या? कुछ कहना? हाँ, हुई थी। क्या बोलते हैं सरपंच? बाद में बोलती है और उसमें ध्यान नहीं देती। बोलती है महिला सरपंच। क्या नाम है सरपंच? रेखा चौहान। अभी आप कलेक्टर के पास में गए थे तो कलेक्टर मैडम ने क्या कहा? कलेक्टर मैडम ने बोला कि जंगल विभाग वाला है, तो उसको जंगल विभाग को दिखा बोल दी। हम लोग बोला कि नहीं, वो जंगल विभाग वाला नहीं, हम लोगों का सड़क है। तो आप लोग क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग उसमें छोटा सा पुल बनवाना चाहते हैं, और गली में हम लोगों का ज़्यादा बच्चा है, जो पटेल है ना, पटेल लोग वो सब ना गली अच्छा है, और जो ऊपर पर और नीचे पर गरीब लोग हैं ना, उसमें ढलाई नहीं हुआ है। उसमें ना ज़्यादा बच्चा आना जाना पढ़ाई लिखाई करने आती है ना, तो उसमें ना हमको ना और ढलाई चाहिए उस सड़क निर्माण। हमारे नाम धनंजय लाल। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तिलईपाली से आए। अच्छा, आप लोग क्या समस्या को लेकर? हमारे समस्या है, बटाऊपाली पंचायत है हमारा, और पुल का भारी समस्या है। पढ़ाई लिखाई बच्चे लोग जाते हैं तो उसमें बाढ़ आता है, तो पानी आते हैं तो जाने नहीं सकते हैं, और उबड़ खाबड़ है, वो टूट फूट गया है पुल, पुराना बना था, और पंचायत में बोलते हैं तो आज बनेगा कल बनेगा ऐसे बोलते हैं। और हमारे गांव का गली आधा जगह बना है, आधा जगह बना नहीं है, जो डीपा पारा है और खाले पारा है, बीज बन गया है, दोनों तरफ बच गया है, उसमें हमको चिखला होता है पानी गिरने से, और बहुत कीचड़ होता है, गाड़ी घोड़ा आने जाने में तकलीफ होते हैं, रात में चलने फिरने से उसमें झाड़ वगैरह कुछ कहीं हर चीज़ लगा है, बंद घास जानते हैं तो तकलीफ होता है, सांप बीछी का भी डर रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो वैसी समस्या के लिए हम कलेक्टर के पास आए थे। ओके।